Subscribe our channel and hit the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। अपने दुश्मनों में रेड डेविल के नाम से मशहूर और हमारे देश की आन बान और शान स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव, जिसे पैरा स्पेशल फोर्स या पैरा कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी आइडेंटिफिकेशन मेनली तीन चीजों से होती है। फर्स्ट मैरून बैरे, सेकंड स्पेशल फोर्स का सोल्डर टाइटल, एंड थर्ड बलिदान बैच। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बलिदान बैच अर्न कर सकते हैं। पैरा ट्रूपर को बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के पर्पस के साथ बनाया गया, और ये सबसे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यूज की गई, एंड 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई, जिसे नाम दिया गया पैरा कमांडो। बलिदान बैच केवल इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स बटालियन को ही दिया जाता है, जिसमें 1 पैरा एसएफ, 2 पैरा एसएफ, 3 पैरा एसएफ, 4, 9, 10, 11, 12 एंड 21 पैरा एसएफ आते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स बटालियन को ज्वाइन करने से पहले आपको सबसे पहले पैरा ट्रूपर के सिलेक्शन प्रोसेस को क्वालिफाई करना होता है, और जो पैरा ट्रूपर के सिलेक्शन प्रोसेस को क्वालिफाई कर लेता है, सिर्फ उन्हीं को पैरा स्पेशल फोर्स की एडवांस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस साल में 2 बार होती है। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस भी है। स्पेशल फोर्स ऑपरेटर की स्टार्टिंग ट्रेनिंग मिनिमम 3.5 साल चलती है। ये ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। स्पेशल फोर्स ऑपरेटर की ट्रेनिंग उनकी पूरी सर्विस में चलती है, जिसमें सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग और उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग होती है। पैरा कमांडो एक प्रोफेशनल कॉम्बैट फ्री फॉल होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल कॉम्बैट डाइवर भी होते हैं। इनकी कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग आगरा के पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में होती है। वहां पर ये 11 तरह की टेक्निक सीखते हैं। वहीं कॉम्बैट डाइविंग ट्रेनिंग के लिए उन्हें कोची के नेवल डाइविंग स्कूल में भेजा जाता है, और जो सोल्जर्स ट्रेनिंग को पूरा कर भी लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका सिलेक्शन फाइनल हो गया है और वो बलिदान बैच के लिए रेडी हैं। बलिदान बैच को हासिल करने के लिए इन्हें साल भर के लिए वॉर स्टाइल जोन में एक्टिव ऑपरेशन में अपनी सर्विस देनी होती है, और इस प्रोसेस का नाम होता है बलिदान पद। अगर वो सोल्जर इस बलिदान पद वाली प्रोसेस पर सर्वाइव कर पाता है, तब जाके उसे बलिदान बैच देकर पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स में शामिल किया जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से बलिदान बैच के बारे में पता चला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन for latest update.